आईएसआई का एजेंट हूँ, मैं अफगानिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, आपका पैमाना क्या है? व्हाट इज योर पैमाना? क्या है आपका पैमाना कि किसी व्यक्ति को आप जाकर ये कह देते हो कि ये एंटी नेशनल है? सबसे बड़ा देशद्रोही नरेंद्र मोदी है, कर दे एफआईआर। मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी आप गद्दी से उतरे। भारत का संविधान हमें आजादी देता है, आर्टिकल 19(1) एक्ट कहता है कि आप बोल सकते हैं। अगर आप बोलने वाले के ऊपर अगर आप एंटी नेशनल का तमगा डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का, अनुराग ठाकुर जी का, स्मृति ईरानी जी का विरोध करना वो हिंदुस्तान और भारत का विरोध नहीं है, वो इंडिया का विरोध करना नहीं है। देव, क्या वजह है जो आपके चैनल को भारत में बैन किया गया है? देखिए, कुछ अभी तक तो बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ है जी, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या MIB मिनिस्ट्री ने क्यों बैन किया है। लेकिन जो नोटिफिकेशन आया है, जो ईमेल आए हैं, उसमें लिखा है कि आपके जो थंबनेल है, आपका जो चैनल है वो एंटी नेशनल है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एंटी नेशनल है। तो मेरे कुछ सवाल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर से। सवाल है, आप हमसे अपडेट रहते हैं, आप ये देखते हैं कि लोकतंत्र टीवी पर क्या चल रहा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया कवर अप नहीं करती है, यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया ये सवाल ही नहीं उठाती है कि स्मृति ईरानी का प्रेस कॉन्फ्रेंस वो झूठा है, स्मृति ईरानी की जो बेटी है वो बीफ खाती है, बीफ परोसी है, वाइन बेचती है, ये खबर भी झूठा है कि किरण रिजिजू, जो किरण रिजिजू हैं वो बीफ खाते हैं, ये भी मेन स्ट्रीम नहीं दिखाती। तो दिखाता कौन है? क्वेश्चनेबल। मैं दिखाता हूँ, मेरा नाम देव चौधरी है, लोकतंत्र में चलाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉचिंग माई चैनल लोकतंत्र टीवी, MIB मिनिस्टर मिस्टर अनुराग ठाकुर वॉचिंग मी माई चैनल। तो सवाल अब ये है कि कॉन्टेबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कॉन्टेबिलिटी क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मिस्टर मोदी की कॉन्टेबिलिटी क्या है, कि आपका पैमाना क्या है मोदी, आपका पैमाना क्या है अनुराग जी, आपका पैमाना क्या है नरेंद्र मोदी जी, आप किस आधार पर एक भारतीय को, आप एक बिहारी को, अदना सा व्यक्ति को, मेरे जैसे लोगों को आप एंटी नेशनल बता सकते हैं? क्या मैं ISI का एजेंट हूँ, मैं अफगानिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, आपका पैमाना क्या है? व्हाट इज़ योर पैमाना? क्या है आपका पैमाना कि किसी व्यक्ति को आप जाकर ये कह देते हो कि ये एंटी नेशनल है? अगर मैं एंटी नेशनल हूँ, मैं इसको कोट कर रहा हूँ, अगर मैं एंटी नेशनल हूँ तो मेरे से सबसे बड़ा इस देश का देशद्रोही, इस देश का राजा है किंग ऑफ इंडिया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही नरेंद्र मोदी है, कर दे FIR। मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी आप गद्दी से उतरो, मैं कह रहा हूँ कि आपको ये गद्दी छोड़नी होगी, तो क्या आप मेरे पे UAPA डाल देंगे? आप भूल गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे पूर्वजों ने, डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिखा है, जिसको हमने पिरोया है, वो भारत का संविधान हमें आज़ादी देता है, आर्टिकल 19(1) एक्ट कहता है कि आप बोल सकते हैं। अगर आप बोलने वाले के ऊपर अगर आप एंटी नेशनल का तमगा डालेंगे, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे जो दादाजी थे वो फ्रीडम फाइटर थे, वो अंग्रेजों से लड़े हैं, हम नरेंद्र मोदी जी से लड़ेंगे। मकसद नहीं है, मेरी इंटेंशनली कोई लड़ाई नहीं है, इन्होंने बना दिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का, अनुराग ठाकुर जी का, स्मृति ईरानी जी का विरोध करना वो हिंदुस्तान और भारत का विरोध नहीं है, वो इंडिया का विरोध करना नहीं है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपका विरोध करता हूँ, मैं आपका आलोचक हो सकता हूँ, लेकिन जिस मिट्टी में हमने पैदा लिया, जिस मिट्टी में मैं मिलने जा रहा हूँ, मैं उसका कैसे विरोध कर सकता हूँ? वो हमारे रगों में है, खून में है। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, आप क्या है मेरे को नहीं मालूम, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं 25 साल का हूँ, 1996 में पैदा हुआ, वो भी 15 दिसंबर को। उस समय आप संघर्ष कर रहे थे, उस समय आप सत्ता की लोलुपता में आने की कोशिश कर रहे थे और जद्दोजहद कर रहे थे। तो ये वक्त है इस देश को बचाने का। आपने क्रांति कर दिया है ऐलान कि वो नंबर मेरे से शुरुआत हो गया। अब बताइए कि जिस भारत में दलितों की आवाज़ ये गोदी मीडिया नहीं उठाता, तो हम अपने आपको क्या कह लें? देव चौधरी मोदी, अंजना जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर नहीं करती हैं स्मृति ईरानी की बेटी का जी। तमाम मुद्दे, अनुराग ठाकुर ने कहा कि गोली मारो सालों को, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया,
अनुराग ठाकुर ने कहा कि गोली मारो सालों को, जिस जिस चैनल पे वो वीडियो चला क्या वो चैनल बैन कर दिया? नहीं किया। आप पे एफआईआर हुई आप हाईकोर्ट ने कहा कि मुस्कुराते हुए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, मुस्कुराते हुए, तो आप ये कॉन्टिबिलिटी हमारे चैनल में, हम लिखते हैं बोल्ड अक्षरों में, उसमें ये लिखा जाता है कि बोलने वाला वक्ता जो है वो जिम्मेदार है, उससे चैनल का लेना देना कोई नहीं है, हम लोग प्रोवाइडर हैं, हम लोग पब्लिक को एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देते हैं, हम कहते हैं कि आप सताए हुए हैं, आपकी आवाज़ को ये नेशनल मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती, आप हमारे साथ आइए और बोलिए और नरेंद्र मोदी की आंखों में आंख डालकर सवाल कीजिए कि इस देश में हो क्या रहा है। जब ऐसा हुआ तो उसका जिम्मेदार मैं कैसे? आपको अगर कोई क्वेश्चन करना है तो जिस व्यक्ति ने कहा है कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, आप से उनको बुला के कहिए भाई ये किस आधार पर कह रहे हो। बिल्कुल, ये एक प्राइम मिनिस्टर का काम होता है, लेकिन इस देश में पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है ही नहीं, इस देश में आ गया डिक्टेटरशिप, किंग है। इसे जब हम कहते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बहुत गलत है, यहाँ पर दरअसल किंग ऑफ इंडिया ये सिलसिला चल रहा है। बहुत बहुत एक सवाल बड़ी प्रमुखता से देव चौधरी ने यहाँ पर रखा है कि क्या पैमाना है इस देश के अंदर अपनी देशभक्ति साबित करने का। ये तमाम मीडिया चैनल जो इस समय देव का इंटरव्यू ले रहे हैं, हो सकता है कल को इन सभी के ऊपर भी देशद्रोही होने का आरोप लगा दिया जाए, और ये सब भी देव का नंबर, जैसे देव ने कहा मुझसे शुरू हुआ है, कहीं ये सब हम पे जाके ख़त्म ना हो, लेकिन हम अपनी आवाज़ को लगातार दिखाते रहेंगे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? लोकतंत्र टीवी को सर्च कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अभी भी सर्च में है लेकिन भारत में अवेलेबल नहीं है। जितना ज़्यादा आप लोकतंत्र टीवी को प्यार करेंगे, कमेंट करेंगे, उसको शेयर करेंगे, भारत की सरकार को लगेगा कि एक बड़ी पावर है बहुजनों के पास, हम लोकतंत्र टीवी को पुनः भारत में चालू कराने में कामयाब हो पाएंगे। तमाम बहुजन मीडिया चैनल की तरफ से मैं मनोज अंतानी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। देव आपका भी धन्यवाद। आपका भी एजेंट हूँ, मैं अफगानिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, आपका पैमाना क्या है? व्हाट इज योर पैमाना? क्या है आपका पैमाना कि किसी व्यक्ति को आप जाकर ये कह देते हो कि ये एंटी नेशनल है, सबसे बड़ा देशद्रोही नरेंद्र मोदी है, कर दे एफआईआर। मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी आप गद्दी से उतरो। भारत का संविधान हमें आज़ादी देता है, आर्टिकल 19(1) एक्ट कहता है कि आप बोल सकते हैं, अगर आप बोलने वाले के ऊपर अगर आप एंटी नेशनल का तमगा डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का, अनुराग ठाकुर जी का, स्मृति ईरानी जी का विरोध करना वो हिंदुस्तान और भारत का विरोध नहीं है।